वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 3 रन से मिली करीबी जीत के बाद शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया की नज़र अब रविवार यानी आज खेले जाने वाले दूसरे मैच पर है। अगर भारतीय टीम आज के मैच में जीत दर्ज करती है तो ये वनडे सीरीज भारत के नाम हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले को जीत कर इस सीरीज में अपने आप को कायम रखने के लिए कड़ी टक्कर देगी। तो ऐसे में पहले वनडे की तरह आज का मुकाबला भी काफी रोमांचक होने वाला है। ऐसे में आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे बतौर कप्तान शिखर धवन की पारी अगर आपको भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के रोमांचक मुकाबले में विंडीज टीम पहले मैच की गलतियों को नहीं दोहराना चाहेगी। ऐसे में वो एक नए जोश के साथ मैदान पर नजर आएंगे, इसीलिए आज के मुकाबले में भी भारतीय टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पहला मुकाबला जीतकर ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर आज भी कांटे की टक्कर देनी होगी। ऐसे में आज की प्लेइंग 11 क्या होगी इस पर एक नज़र डालते हैं। इस मैच के लिए भारतीय टीम में शायद 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि संजू सैमसन की जगह टीम में ईशान किशन को जबकि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। अगर अर्शदीप सिंह को आज मौका मिलता है तो वो भारत के लिए वनडे में अपना डेब्यू करेंगे। संजू सैमसन को पहले वनडे में ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में जगह दी गई थी, उन्होंने सिर्फ 12 रन की पारी खेली थी। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन भी निराश करने वाला था। पहले मैच में धवन के साथ शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी और अच्छी पारी खेली थी। ऐसे में अगर आज ईशान किशन की एंट्री होती है तो वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, साथ ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। इसी के साथ मिडिल ओवर की बात करें तो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव होंगे। रविंद्र जडेजा दूसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उनकी जगह एक बार फिर से अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। अक्षर पटेल जहां बल्लेबाजी में भी जलवा दिखाने का दम रखते हैं तो वहीं स्पिन गेंदबाजी में भी वो चहल का साथ निभा सकते हैं। दीपक हुड्डा टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। टीम में बतौर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ही होंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में जगह बनी रहे या नहीं ये अभी साफ नहीं है। हो सकता है उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया जाए। तो आज का मुकाबला सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी हो सकता है। अगर भारतीय टीम इस मैच को जीतती है तो सीरीज उनके नाम हो जाएगी। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया में नया जोश पैदा होगा, जिसकी इस वक्त टीम इंडिया को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस करेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।